भाइयों एवं बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अभियान चलाया। और इस अभियान के बाद बहुत से भूमाफियाओं को खदेड़ दिया गया और पब्लिक की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक CM हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1076, जिस पे आप कभी भी फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और मैंने ऐसी शिकायत एक भूमाफिया के संबंध में कराया था जो आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील के गुड़हरा गांव से संबंधित है। यहाँ के कुछ भूमाफियाओं ने मिल के एक भीटे की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिसका नंबर है 652 ख। इस विषय में मैंने पहले शिकायत की थी। शिकायत संख्या थी 91 81 91 427 87 27। आखिरी के चार अंक हैं 87 27। इसमें जो रिपोर्ट लगाई गई तहसीलदार लालगंज के द्वारा, वो झूठी रिपोर्ट लगाई गई। उसमें लिखा गया है कि अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाया तो गया है, पर 652 ख से नहीं हटाया गया है, बल्कि 653 से हटाया गया है, जो कि ग्राम सभा के पोखरे का नंबर है। और जब CM हेल्पलाइन से मुझे फीडबैक फोन कॉल आया तो मैंने सारी बात से अवगत कराया और कहा कि रिपोर्ट झूठी है। तो फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप दोबारा शिकायत दर्ज कराएं। तो 1 नवंबर 2018 को मैंने दोबारा शिकायत दर्ज कराया, जिसकी शिकायत संख्या है 91 81 91 3 times 0 119 11। आखिरी के अंक हैं 12911। और आज 5 नवंबर 2018 को फोन आया CM हेल्पलाइन से। इस विषय में मुझे अवगत कराया गया कि मेरी शिकायत को तहसीलदार लालगंज को कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। तो मैंने पूरी बात से अवगत कराया कि किस तरह से पूर्व की शिकायत में गलत रिपोर्ट भेजी गई थी। तो फोन करने वाले ने मुझे आश्वासन दिया कि इस बार पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से मैंने फीडबैक दिया और आइए देखते हैं फोन कॉल में क्या बातें हुई थी। शिकायत दर्ज कराई गई थी? हाँ मैडम। क्या मेरी बात अनुराग सिंह जी से हो रही है? हाँ मैडम। सीमा जो संपर्क में बने रहे, जानकारी दी जा रही है? जी मैडम। संपर्क में बने रहने के लिए धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा 1/11/2018 को शिकायत दर्ज कराई गई है महोदय। जी। से संबंधित अवैध कब्जा कर लिया गया, इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी आपने? मैडम शिकायत संख्या बता दें। जी, शिकायत संख्या है 91 81 91 3 times 0 12 911। 12911। किस दिनांक को किया गया था? 1/11/2018 को शिकायत दर्ज कराई गई है। 1/11 मतलब 1 नवंबर 2018 को? तो अच्छा, आज तो 5 तारीख है। ठीक मैडम, 4 दिन हुआ, बताएं। जी महोदय, जानकारी देना चाहेंगे आपको कि शिकायत दर्ज करके आपके विभाग को भेज दी गई है, विभाग द्वारा अभी इस पे कार्यवाही चल रही है। जी मैडम। महोदय समाधान प्राप्त होने पर आपको फीडबैक के लिए संपर्क किया। मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताएं। मैडम इस विषय में एक मैसेज मुझे आया था UP गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तहसीलदार लालगंज का मोबाइल नंबर दिया गया था, उसमें संपर्क करने की बात कही गई थी। मैंने फोन डायल किया तो नंबर तो बजा और मैं आधे घंटे में करीब 10-12 बार प्रयास किया हूँ, फोन उठाया नहीं गया। मैडम जी महोदय क्षमा चाहेंगे, इस संबंध में जानकारी नहीं दे पाएंगे हम आपको। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही विभाग द्वारा समाधान प्राप्त होगा आपको हमारे माध्यम से संपर्क करके अवगत कराएंगे। मैडम एक बात और करना है। मैडम मैंने इसी जमीन के बारे में शिकायत किया था, उसकी शिकायत संख्या है 91 81 91 4 0 87 27 और इसमें गलत रिपोर्ट लगा दिया गया। मैंने शिकायत किया है 652 ख के कब्जे के विषय में और जो अतिक्रमण हटाया गया है वो 653 से हटाया गया है, जो पोखरे का है, और मैंने भीटे पे किया है। तो अधिकारी बार बार गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं मैडम। हाँ मैडम, उसमें जब उस जो शिकायत संख्या मैंने बताया उसमें फोन आया था तो मैंने बताया कि भाई गलत रिपोर्ट है, तो फोन करने वाले ने कहा कि आप पुनः शिकायत दर्ज कराएं। तो उनके कहने पर मैंने पुनः शिकायत दर्ज कराया 1 नवंबर 2018 को, जो जिसके बारे में आपने फोन किया है। महोदय
आप निश्चिंत रहिए, अभी विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई चल रही है। आपने जैसा कि 27 87 27 शिकायत संख्या बताई है आपने, ये 27/8/2018 को आपने शिकायत दर्ज कराई थी महोदय। जी मैडम। जी, शिकायत का समाधान होने पर आपको 19 सितंबर 2018 को फीडबैक के लिए संपर्क किया गया था, जिसमें आपके द्वारा बताया गया था कि आप समाधान से सहमत नहीं है और रिपोर्ट गलत लगाई गई है। जी मैडम। फीडबैक दर्ज करके विभाग को भेजी गई है शिकायत पुनः से। निश्चिंत रहिए, आपने जो शिकायत पुनः से दर्ज कराई है, अभी इस पे कार्रवाई चल रही है, समाधान प्राप्त होने पर आपको संपर्क किया जाएगा। तो इस बार मैडम सही कार्रवाई होगी, मतलब क्षमा चाहेंगे, इस संबंध में जानकारी नहीं दे पाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही विभाग द्वारा समाधान प्राप्त होगा आपको फीडबैक के लिए संपर्क किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जी मैडम, मैं निश्चिंत हूँ, धन्यवाद। सीएम हेल्पलाइन की सेवा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।